नमस्कार, मैं हूँ गणेश आचार्य। आप देख रहे हैं INN24। प्लीज वॉच एंड एंजॉय। नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर। आपके साथ मैं हूँ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कल से फिर बेमियादी हड़ताल पर रहेंगे संजीवनी 108 और महतारी 102 के चालक। 6 सूत्रीय मांग और न्यूनतम मजदूरी की जद पर अड़ा संजीवनी कर्मचारी कल्याण संघ। कोरबा में भी दिखेगा असर। कुसमुंडा में राह चलते फिर मोबाइल की हुई लूटपाट। खाना खाकर घर के बाहर टहलने निकली कॉलेज छात्रा बनी शिकार। बाइक सवार 3 बदमाशों ने बनाया निशाना। पुलिस में मामला दर्ज। चांपा के दामोदर गणेश बापट को पद्मश्री अलंकरण सम्मान। कुष्ठ पीड़ितों के इलाज और उनके सामाजिक आर्थिक पुनर्वास के लिए मिला सम्मान। कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए नहीं की थी ताम्र शादी। और सारंगढ़ में नहर में गिरी स्कूली बच्चों से भरी तेज रफ्तार वैन। हादसे के बाद मची चीख पुकार। स्कूल प्रबंधन मामला दबाने में जुटा। संजीवनी 108, 102 के कर्मचारी कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। सोमवार को कर्मचारियों ने एसपी, कलेक्टर, स्वास्थ्य विभाग को अल्टीमेटम दिया था। हड़ताल के दौरान सभी अस्पतालों के 108, 102 वाहनों को परिसर में ही खड़े कर प्रदर्शन करेंगे। संजीवनी व महतारी एक्सप्रेस कर्मचारी कल्याण संघ के जिला प्रमुख ने बताया कि शासन के श्रम विभाग ने अप्रैल 2017 से न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि की है, जिसका लाभ 108 और 102 के कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है और न ही उन्हें समय पर वेतन मान दिया जाता है। इस संबंध में कंपनी और कर्मचारियों के बीच लंबे समय से चर्चा होती रही है, लेकिन मौखिक आश्वासन देकर मांग को अधिकारी टालते रहे। अक्टूबर में भी धरना प्रदर्शन हुआ था। 15 जनवरी को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले थे। रायपुर के अफसरों ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, इसलिए उस समय हड़ताल स्थगित की गई थी, लेकिन इस बार उनके संघ ने फिर शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये देखिए, हमारा तो मांगे 6 सूत्रीय मांग है। पहला में ठेका मुक्त हो, ठेका प्रथा मुक्त होना चाहिए और सरकार अपने अधीन कार्य करवाए। दूसरा ये है कि जो शासन द्वारा अप्रैल 2017 में न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि किया गया है, वो हमें आज तक नहीं मिल रहा है, तो वो हमको दिया जाए। कब से हड़ताल कर रहे हैं? ये हड़ताल 5 तारीख कल 5 अप्रैल 2018 से अनिश्चित कल हड़ताल पर रहे हैं। जिले में देखिए 11 108 की एम्बुलेंस है और महतारी 13 एम्बुलेंस है। महतारी गाड़ी कर्मचारी हैं, उसमें टोटल कर्मचारी हैं 102 कर्मचारी। देखिए, प्रदेश में टोटल कर्मचारी 2600 करीब हैं और टोटल गाड़ी है 600, दोनों मिला के 108, 102। कितना प्रभाव पड़ता है आप लोगों का मांगे पूरी नहीं हो रही? देखिए, प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि हम लोग अनुभवी प्रशिक्षित जो कर्मचारी हैं, हम लोग उनके द्वारा हमको इसका संचालन किया जा रहा है 108 और 102 का, तो उसमें मरीजों को बहुत लाभ मिल रहा है। और अनपढ़ अनाड़ी जैसे एक दिन का कोई ड्राइवर, बाहरी ड्राइवर है जो उनसे गाड़ी चलवाया जाएगा, तो वो क्या प्राथमिक उपचार दे पाएगा? कि उसमें इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन रहते हैं हमारे साथ में, जो फर्स्ट एड करके अस्पताल तक पहुंचाते हैं, तो वो सब सुविधा नहीं मिल पाएगी मरीजों को। गौरतलब है कि प्रदेश भर में संजीवनी 108 की संख्या 362 है, जबकि 108 के करीब महतारी एक्सप्रेस संचालित हो रहे हैं। इसमें कार्यरत कर्मियों की संख्या 2700 है। जाहिर है, हड़ताल से इतने कर्मियों के काम बंद करने से स्वास्थ्य विभाग की आपातकालीन सेवाओं पर बुरा असर पड़ सकता है। संजीवनी महतारी संघ के इस अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर कोरबा में भी देखने को मिलेगा। जिले की ही बात करें तो कोरबा में संजीवनी 108 की संख्या 11 है, जबकि महतारी एक्सप्रेस 13 है। जिले के सभी विकास खंडों में इन कर्मियों की संख्या 102 के करीब है। बांगो थाना अंतर्गत ग्राम लेपरा की सरपंच चंद्रकला ने लोक सुराज अभियान के तहत एक शिकायती आवेदन सौंपा था। अपने शिकायत में उन्होंने मानव तस्करी आशंका जाहिर करते हुए
गांव के 9 युवक जिनमें कुछ नाबालिग भी शामिल थे उन्हें रोजगार का प्रलोभन देकर कर्नाटक राज्य ले जाने की बात कही थी। इस शिकायत पर बांगो पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए पूरे मामले से कोरबा एसपी मयंक श्रीवास्तव और एएसपी कीर्तन राठौर को अवगत कराया था। एसपी और एएसपी के निर्देशन में पुलिस ने जब गाँव वालों से पूछताछ की तो सभी युवकों के कर्नाटक में होने की जानकारी मिली। उन्हें इस दौरान यह भी पता चला कि कर्नाटक में उन्हें बंधक बनाकर प्रताड़ित भी किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक टीम गठित कर कर्नाटक के लिए रवाना करने की बात कही है। हालांकि इससे पूर्व कर्नाटक गए कुछ युवक सकुशल अपने घर पहुंच चुके हैं, लिहाजा इस पर मानव तस्करी का मामला कायम नहीं किया गया है। पुलिस रोजगार के नाम पर पलायन के लिए प्रेरित करने वालों की भी पतासाजी में जुट गई है। बूता बा कहे आए रही से मोर करा तब मैं कहे मैं तो नहीं जानू कहे काम करो यह जान ही से कहे तो ला पूछी से मोर बेटा ला तो वो कही 10,000 महीना में अकाउंट में जमा हो जाते हर महीना कही सब खाए पिए पर देते और 10,000 हर महीना में दही से कही तब लइका मन भाई काम करो या नहीं तब मन चल दहीस तो का कथे नरेश और यह काम खोज हो दूज राम हल्ले गोया चल दे हे ते गुजरात गुजरात के वही सेठ नंग पैसा मांगिन तो कही तुमन बेचरी नाम हो गए है तो का कथे नहीं कहाँ के ला दहूँ पैसा वह तो ले गए है कही के कहीस तो हमारे लैका मन वहाँ ले रायते रायत भाग के ना चल दही नमन बेंगलोर तो बेंगलोर के तो हर ठीक है तो दूज राम हत खोजा थे मन लमार पीट गाली गुप्तान हम लैके मन फोन कर करके बताते हैं हाँ अब वही मन कही नहीं हमार बन रिपोर्ट कर दे हमार बा गुंडा पहले दे है कही नहीं दूज राम ले के गए है गुजरात गए है दूज राम लेके गुजरात गई गुजरात में सेठ कर पैसा मांगिन तो लैका मन मांगिन सेठ ला तो ते लाने रही दूज राम हा ते तो पैसा मान ला ले गए है कही से लैका मान ला तो लैका मान डर के मारे भाग गिन 2 बजे रात के बेंगरोल भागिन तो वहाँ बढ़िया रहीन है तो अभी अभी समस्या होइस ना तो बताइन कि हमन ला तुमन जल्दी ले आवा दूज राम हमार बा गुंडा लेके आहे की के तो लैका मन डरा गिन लैका मन डरा गए हैं तो हमन ला ले आवा की के कहीं तो हम थाना गेन कलेक्टर ऑफिस गए हन वहाँ ले आए हन तो कहीस की जाता लैका मन को जा निकाल के 11 जन हाँ बड़े मन ये 2 जन डबकी बच्चा वाला है तेका सब कुंवारे कुंवारा है शादी नहीं हो दूज राम हाँ चला 10,000 महीना में देहूँ और खाना पीना अलग से कि के लैका मन ला ले गए है लैका मन जबरदस्ती ले ले गए है दूज राम हाँ ये ग्राम स्वराज्य अभियान के दौरान लेपरा गांव के जो सरपंच हैं चंद्रकलापुर के उनके द्वारा शिकायत दिया गया था कि उनके गांव के जो 9 लड़के हैं जिसमें कुछ नाबालिग भी हैं उनको कुछ लोग जो है कमाने खाने के नाम पर ज़्यादा पैसा देने के नाम पर कि कर्नाटक राज्य ले गए हैं और जहाँ से उनका संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है और उनको वहाँ पर परेशान किया जा रहा है। इसकी शिकायत मिलने पर थाना भागों में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और टीम विशेष टीम बना करके और परिजनों के साथ और जो भी जिनको जगह का लोकेशन पता है ऐसे कुछ गांव वाले हैं उनके साथ में टीम अभी भेजी जा रही है। टीम जाएगी और वहां पर जाने के बाद जो है स्थिति जो है और अधिक स्पष्ट हो पाएगा। अभी अपराध तंत्र करके योजना भी लिया गया है तो ले जाने वाले के संबंध अभी स्पष्ट नाम और जानकारी नहीं आई है और योजना पर ही स्थिति जो है आगे जाके स्पष्ट हो सकेगी। जांजगीर चांपा में विधानसभा स्तरीय बूथ लेवल कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के लिए संकल्प शिविर का आयोजन चांपा नगर के लखन मंगलम बरछापारा में हुआ। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर चरणदास महंत, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नव नियुक्त प्रभारी सचिव चंदन यादव, कांग्रेस मीडिया प्रभारी शैलेश नितिन त्रिवेदी, विधायक मोतीलाल देवांगन, जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश शर्मा एवं कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सबसे पहले तो अपने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम जैसे आम युवा को गाँव से उठकर एक कोई पृष्ठभूमि नहीं आम गरीब परिवार में किसान परिवार में पैदा होकर थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिला। कांग्रेस पार्टी ने अच्छे विश्वविद्यालय IIT जैसे इंस्टीट्यूट खोले थे मुझे भी वहाँ स्कॉलरशिप शुरू किए थे उसकी मदद से पढ़ा और फिर छात्र राजनीति से और युवा कांग्रेस की राजनीति में कांग्रेस पार्टी में पढ़ा सीखा सब चीज़ आज जो कुछ भी हूँ
अपना राजनीतिक लोग की जो घूमी हुई है, जो सोच पैदा हुई है, वो राहुल गांधी की देन है। क्योंकि जब हम लोग जीवा कांग्रेस में थे, वो हमारे प्रभारी थे, महासचिव और प्रभारी थे, तो जो भी उन्होंने हमें सिखाया, समझाया, इस देश के बारे में बताया कि इस देश की असली समस्या क्या है, हमें कहाँ काम करने की ज़रूरत है, और सिर्फ यही नहीं बताया कि हमें हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स है, समस्या है, बट उसको कैसे करना है वो भी सिखाया है। क्योंकि बार बार राहुल जी कहते हैं कि भाई गरीबी, बेरोजगारी, आतंकवाद, ये समस्या है, सब कहते हैं इसको ख़त्म करेंगे, लेकिन जो काम करने का तरीका होता है वो हम कैसे, हम भी चाहते हैं जातिवाद खत्म हो, क्षेत्रवाद खत्म हो। जो चुनाव के ठीक 2-3 दिन पहले जो काम होता था बूथ स्तर पर जाने का, आज कांग्रेस पूनिया जी के निर्देशन में प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी, विधायक दल के नेता टी एस सिंहदेव जी और हमारे चुनाव अभियान समिति के प्रमुख डॉक्टर चरण दास मोहन की अगुवाई में कांग्रेस न केवल बूथ स्तर तक जा रही है बल्कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भी हम लोग आयोजित कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता आपने देखा पूरे समय डटे रहे, चार्ज होकर जा रहे हैं, और इन चुनावों में कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं की ताकत पर चुनाव लड़ेगी। छत्तीसगढ़ के एक एक पोलिंग बूथ और एक एक विधानसभा सीट को जीतने की रणनीति हम बना रहे हैं। इसी कारण डॉक्टर चरणदास महंत अगर माँ की पूजा करते हैं तो 90 थाल प्रसाद के चढ़ाए जाते हैं। प्रभारी पी एल पूनिया 90 सीटों पर जीत की रणनीति की बात करते हैं, यही हमारा संकल्प है। छत्तीसगढ़ में सारे कांग्रेस जन एकजुट होकर कांग्रेस का तिरंगा फहराएंगे। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 5 अप्रैल से प्रदेश भर के संजीवनी 108, महतारी 102 के कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। इस हड़ताल का असर कोरबा के स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी नजर आएगा। हड़ताल की वजह से जिले के अलग अलग विकास खंडों में संचालित कुल 24 संजीवनी और महतारी एक्सप्रेस के पहिए भी थम जाएंगे। जाहिर है इससे आपातकालीन सुविधाओं में समस्या आएगी। इस समस्या से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमा भले सुस्त नजर आ रहा हो, लेकिन जिले के समाज सेवी संगठन छत्तीसगढ़ हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी ने इससे निपटने की तैयारी पूरी कर ली है। समाज सेवी संस्था ने हड़ताल के दौरान आपातकालीन सेवाओं पर कोई बुरा असर ना पड़े, इसके लिए निजी एम्बुलेंस को किराए पर लेने का फैसला किया है। संस्था की ओर से इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिस पर कॉल कर किसी भी वक्त एम्बुलेंस की सुविधा पाई जा सकती है। ये कल से जो आज रात 12 बजे से 102 और 108 महतारी एक्सप्रेस और संजीवनी एक्सप्रेस जो हड़ताल पे जा रहे हैं, तो जैसा कि एक एम्बुलेंस के बंद होने पे पूरे एक सोसाइटी को दिक्कत हो सकता है, किसी की जान जा सकती है समय पे अगर उपचार ना हुआ तो हमारे संस्था ने यह निर्णय लिया है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं अगर समय पे लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो जान बच सकती है। तो हमने कुछ निजी एम्बुलेंस पे उनसे बात किया है और समय पे उनको एम्बुलेंस मिल जाए ऐसी पूरी हमारा प्रयास रहेगा और किसी की जान बचा सके। नंबर मेरा खुद का नंबर है 9827952504। इस नंबर पे अगर कभी भी वो कॉल करते हैं तो उनको निश्चित रूप से हम लाभ प्रोवाइड करवाएंगे और जल्द से जल्द उनको अस्पताल लाया जाए। प्रेगनेंसी हो या किसी भी तरह का एक्सीडेंटल केस हो, बस कोई भी ऐसा मरीज अगर हमको कॉल करेगा तो तत्काल उनको 10 से 15 मिनट में उनको एम्बुलेंस प्रोवाइड करेंगे। शासन से हमने फ्री नंबर के लिए मांग की थी लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की कमी की वजह से हम वो चीज़ नहीं ले पा रहे हैं, तो अभी जो भी है हमारे अपने नंबर से हम काम चला रहे हैं। एम्बुलेंस बंद होने से अभी चक्का जाम होगा, कितने दिन तक आप सुविधा देंगे इसमें? ये जितने दिन तक वो असुविधा देते रहेंगे उतने दिन तक हम सुविधा देने का प्रयास करेंगे और जितना हमारी संस्था से हो पाएगा हम पूर्ण रूप से समर्पित होकर कार्य करेंगे। संस्था के प्रमुख राणा ने अपील की है कि अगर आपके आसपास या जानकारी में कोई मरीज नजर आए तो तत्काल एम्बुलेंस की जरूरत हो तो जारी किए गए नंबरों पर कॉल कर मदद ली जा सकती है। सूरजपुर में एनएच चौड़ीकरण एवं नगर सौंदर्यीकरण के नाम पर विगत 5 माह से शहर के मुख्य मार्ग को खोदकर छोड़ देने और निर्माण एजेंसी द्वारा निर्माण कार्य में बढ़ती जा रही उदासीनता से स्थानीय नागरिकों की दिन प्रतिदिन बढ़ती परेशानी पर प्रशासन व सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भूमिका भी जनाक्रोश का कारण बनने लगी है। जन भावनाओं के अनुरूप पक्ष और विपक्ष की चुप्पी समझ से परे है।
गौरतलब है कि कटनी गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के डुमरिया से लेकर पार्वतीपुर हनुमान मंदिर तक NH चौड़ीकरण कार्य कछुआ गति से किया जा रहा है। निर्माण एजेंसी ने बगैर पूर्व तैयारी किए जिला मुख्यालय सूरजपुर के सघन आबादी वाले मेन रोड की खुदाई तो तत्परता दिखाते हुए कर दी, लेकिन 4 माह का लंबा समय व्यतीत हो जाने के बावजूद नगर के अंदर न तो नाली निर्माण व पाइपलाइन विस्तार का कार्य पूर्ण हो सका और न ही सड़क चौड़ीकरण कार्य में प्रगति दिखाई गई। जब से NH का काम शुरू हुआ है, जिला प्रशासन ने जिस तीव्र गति से शहर के अतिक्रमण को हटाया, ऐसा लग रहा था कि महीने दो महीने में पूरे शहर का काम होकर के शहर से पार हो जाएगा, लेकिन जितनी तीव्रता जिला प्रशासन ने लोगों के मकान तोड़ने में लगाई, गरीबों के मकान तोड़ने में लगाया, उतने तत्परता से काम नहीं करा पा रहे हैं। जगह जगह गड्ढे हैं, नाली का काम कहीं छोड़ के बैठा हुआ है, कहीं मिट्टी कोड़ के बैठा हुआ है, सड़क का वही हाल है, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, आए दिन मौतें हो रही हैं, आवागमन के मार्ग अवरुद्ध हैं, लोगों के घर के सामने गड्ढे हैं, गाड़ियां घर के अंदर नहीं जा पा रही हैं, लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं, नालियों में पानी जमा है, डस्ट उड़ रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार शाम नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ समाज सेवी दामोदर गणेश बापट को पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया। चापा नगर से 8 किलोमीटर दूर ग्राम सोठी में भारतीय कुष्ठ निवारक संघ द्वारा संचालित आश्रम में कुष्ठ पीड़ितों की सेवा के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है। इस कुष्ठ आश्रम की स्थापना सन 1962 में कुष्ठ पीड़ित सदाशिव राव गोविंद राव कात्रे द्वारा की गई थी। कुष्ठ रोग के प्रति लोगों को जागृत करने के अलावा कुष्ठ रोगियों की सेवा व आर्थिक व्यवस्था करने का कार्य प्रमुख रूप से दामोदर बापट ने किया है। दिलचस्प बात यह है कि श्री बापट कुष्ठ रोगी नहीं है। दामोदर गणेश बापट के समर्पण का ही नतीजा है कि संस्था परिसर एक स्वतंत्र ग्राम बन गया। सुभाष चौक के आगे निहारका इलाके में ब्लूबर्ड स्कूल के सामने एक तेज रफ्तार ऑटो सामने से आ रही बाइक सवार को बचाते हुए अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। ऑटो को पलटते देख लोगों ने सवारियों की मदद के लिए दौड़ लगाई, जिसके बाद ड्राइवर और दूसरे घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में किसी भी सवारी को गंभीर चोट नहीं आई है। ऑटो में इस दौरान 4 महिला, 2 पुरुष और चालक समेत 7 लोग सवार थे। वाहन के पलटने की सूचना जैसे ही रामपुर चौकी प्रभारी और प्रशिक्षु DSP SS ठाकुर को मिली, वे मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को जिला अस्पताल रवाना किया। हादसे की बड़ी वजह क्षमता से अधिक सवारी बैठाकर तेज गति से ऑटो दौड़ाने को बताया जा रहा है। घटना में ऑटो का ड्राइवर भी सुरक्षित है। पलटे ऑटो में वह फंस गया था, जिसके बाद शीशे को तोड़कर उसे बाहर निकाला गया। साइकिल के बीच में अभी एक दुर्घटना हुआ था सड़क में, जिसमें पीड़ित लोगों को अस्पताल लेके जाया, पता चले कि बाइक सवार लुटेरों पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई का असर होता नजर नहीं आ रहा है। बेखौफ बाइक सवार लुटेरे राह चलते लोगों को अपना निशाना बनाने से भी नहीं चूक रहे हैं। ताजा मामला कुसमुंडा बस्ती का है, जहां की 3 युवतियां रात में खाना खाने के बाद घर के बाहर टहलने निकली थी। इसी दौरान वहां खड़े 3 युवकों ने उनकी रेकी की। टहल रही एक युवती अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी, तभी वहां खड़े 3 युवक अचानक उसके पास पहुंचे और मोबाइल की छीना झपटी करने लगे। अपने साथ होते लूट को देख सहेलियों ने भी मोबाइल वापस छीनने की कोशिश की, लेकिन बाइक सवार खुद को छुड़ा मोबाइल लेकर फरार हो गए। पीड़िता कॉलेज छात्रा चंद्रकला ने सहेलियों के साथ कुसमुंडा थाने पहुंचकर इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी करते हुए लुटेरे युवकों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बदमाश इलाका छोड़ चुके थे। पुलिस ने तीनों अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करते हुए उनकी खोजबीन शुरू कर दी है। कल हम लोग शाम को ऐसे ही टहलने के लिए निकले थे, दोस्त लोग, 3 जने थे हम लोग, और यहाँ पे पास में ही नाले के पास में 3 लड़के लोग वहाँ पे खड़े हुए थे। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि उन लोग ऐसे ही खड़े हुए हैं, ऐसा लगा हम लोगों को, लेकिन थोड़े आगे बढ़ने के बाद उन लोगों ने साइड से ही गाड़ी लेकर के गए। उसके बाद हमारी फ्रेंड का मोबाइल छीनने की कोशिश करी उन लोगों ने, हम लोगों ने छुड़ाने की कोशिश करी, लेकिन उन लोग मौके देख करके आगे निकल गए, मोबाइल को छीन लिए। आप लोगों ने किसी लड़के का चेहरा देखा? नहीं नहीं, तीनों ने स्कार्फ पहन रखा। अच्छा, गाड़ी उड़ी के नंबर नोट किए? नहीं नोट कर पाए। नहीं होगी। मोबाइल की कीमत 18,000 थी। अच्छा, फिर उसके बाद एक घटना कितने बजे की? करीबन 9:30 बजे। अच्छा, रात में। और आप लोगों ने गए कंप्लेन किए इसका थाने में? हाँ, थाने में कंप्लेन किए हैं।
अच्छा, अभी तक कुछ नहीं हुआ कार्रवाई? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। बलौदाबाजार जिले के भिलाईगढ़ ब्लॉक में लगातार एक्सीडेंट की खबरें सामने आ रही हैं। ताजा मामला बेल्टीकरी गांव के पास की है, जहां ट्रक ने ट्रैक्टर को पीछे से ठोकर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ड्राइवर भुवनेश्वर साहू का पैर पूरी तरह कुचल गया है और ट्रक ड्राइवर को भी चोटें आई हैं। एक्सीडेंट होते ही ग्रामीणों ने 108 को सूचना दी, जिसके बाद 108 में ट्रक एवं ट्रैक्टर ड्राइवर दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाईगढ़ लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर भुवनेश्वर साहू को बिलासपुर सेम्स रेफर किया गया। हादसा बहुत ही भीषण था, वक्त रहते बड़ा हादसा टल गया, लेकिन 108 और 102 वाहन के कर्मचारी अपने वेतन वृद्धि को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे, तो इन आम लोगों का क्या होगा जो आए दिन हादसे का शिकार हो रहे हैं। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सर, हम लोग जैसे अब यहाँ पर जो पत्थर खदान जो है वहाँ से लेकर के माल जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, खाली गाड़ी। तो खाली गाड़ी था, तो भड़गांव से आ रहा था, पीछे में ट्रक जो लगा हुआ था, तो ट्रक में पता नहीं कुछ लोड होगा, तो हम लोग जब क्रॉसिंग कर रहे थे, ट्रक पीछे से आकर अपने जिद होकर के हम लोग के ट्रैक्टर को जो है पीछे से ठोकर मार और जा कर के फिर पेड़ से लग गए, जिसमें ड्राइवर को जो है बहुत भारी नुकसान हुआ, उसके पैर से हालत बहुत खराब हो गई। शहर के कोहड़िया में मंगलवार को वहां घूम रहे एक आवारा कुत्ते का आतंक नजर आया। इस अज्ञात कुत्ते ने वहां के एक महिला और मासूम समेत कुल 5 लोगों पर जानलेवा हमला कर उन्हें घायल कर दिया। दशरथ नाम के युवक का तो आवारा कुत्तों ने पूरी उंगलियां ही नोच ली, जबकि एक बुजुर्ग राधेश्याम जो कि नगर निगम का कर्मी है, उसे सबसे ज्यादा जख्म आया है। कुत्ते से बचने के दौरान वह गिर पड़ा, जिससे उसका दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया। राधेश्याम के जमीन पर गिरते ही आवारा कुत्ता उस पर झपट पड़ा। तीसरे मामले में एक 5 वर्षीय बच्चे पर उस आवारा कुत्ते ने हमला बोल दिया। कमल नाम का यह मासूम नदी से नहाकर वापस घर लौट रहा था, तभी कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। कमल को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया। ठीक इसी तरह एक अधेड़ महिला के चेहरे को उस आवारा कुत्ते ने बिगाड़ डाला। महिला पर भी उसने हमला करते हुए उसके नथुने को काट डाला। ये मंगाया था धान कुटवाने के लिए, रवि तो है मीत वहाँ पे धान कुतार रखा ना, सामने से आया कुत्ता, अचानक से हमला किया, तो ऐसे किया यहाँ पर काटा, हाथ से ऐसे भगाने की कोशिश किया, उंगली पकड़ खींच दिया, उंगली पूरा गायब कर दिया। कहाँ पर कोहरी चार पर पहुँच गया, पूरा दाँट चढ़ा तो भागा, वही वाला कुत्ता भी इधर आया सामने में, दो जने को काट लिया। अभी मेरे ख्याल से पाँच जने आए हैं, तो यही कहे पहाड़िया के चार पर। ये सुबह के बात है, 8-9 बजे के नदिया नहा नदिया नहा के आत रही, तो बस्ती का दिले लड़का मना रही कुकुरला कुदा, वही कहानी यही लफेट डाली बीच में, कुत्ता तो बहुत जिन्ना चाहते हैं, 4-5 जिन्ना। आवारा कुत्ते का दहशत उस इलाके में साफ देखा जा सकता है। अगर वक्त रहते उस आदमखोर हो चुके कुत्ते पर काबू नहीं पाया गया तो वह और भी लोगों को अपना शिकार बना सकता है। निगम के कर्मियों को चाहिए कि तत्काल ऐसे खतरनाक हो चुके कुत्ते को किसी तरीके से काबू करें। जगदलपुर जिले के पथरागुड़ा नया पुल के पास एक बच्चे की मौत नदी में डूबने की वजह से हो गई। 15 साल का तबरेज खान यहां नहाने आया था। घटना की खबर लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। तबरेज को खोजने के मकसद से नगर सेना के गोताखोरों की टीम नदी के पास पहुंची। बच्चे को नदी में खोजने आए गोताखोर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही पहुंच गए और बोट में इधर उधर करते रहे। इस वजह से इलाके के लोग उन पर नाराज भी नजर आए। फिलहाल बच्चे को खोजने की कोशिश जारी है। जांजगीर चांपा जिले में रेत माफिया बेखौफ हो चुके हैं। खासकर जीवनदायिनी महानदी पर इन दिनों रेत माफियाओं का कहर बरस रहा है। नगर पंचायत शिवरी नारायण क्षेत्र में महानदी से मशीनों से रेत की बेतहाशा खुदाई की जा रही है। रेत माफियाओं को न तो प्रशासन का खौफ है, न ग्रीन ट्रिब्यूनल और पर्यावरण के नियमों की परवाह। खास बात यह है कि इस पूरे मामले पर नगर पंचायत की मौन सहमति नजर आती है, क्योंकि रेत घाट पर जिसकी मशीन चल रही है
वह नगर पंचायत उपाध्यक्ष राहुल थवाइत है, जिसका प्रमाण महानदी से रेत उत्खनन करते पोकलेन और जेसीबी वाहन है। साथ ही रोज सैकड़ों हाईवार रेत के परिवहन नगर पंचायत के बीचों बीच से कर रहे हैं। इसके बावजूद अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नगर पंचायत के अधिकारी द्वारा नहीं की गई है। इसके बारे में अभी अपने को तो कोई जानकारी मालूम नहीं है। अब इसके बारे में पता लगाने से पता चलेगा कि एक्चुअल में कहाँ पर की है, क्या है, तब इसके बारे में आगे कुछ बता पाएंगे। नहीं, मशीन जो उतरी है उपाध्यक्ष राहुल थवैत का है और यहाँ से रोज गाड़ियाँ निकल रही हैं 100 से ऊपर हाईवार और 16 तारीख से इसका रिस खत्म हो चुका है। इसके बारे में भी नहीं आपको जानकारी कुछ? इसके बारे में अपने कोई जानकारी नहीं, जब तक इसके बारे में पता नहीं लगा लेंगे किसकी गाड़ी है, क्या गाड़ी है, कब उतरी है, तो इसके बारे में अभी अपन कुछ बोल नहीं पाएंगे। परिवहन उत्पन्न जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा बता रहे हैं तो उसके लिए मैं अपने पटवारी और आ रहे के लिए आदेश कर देता हूँ, अभी तत्काल जांच करें और उत्पन्न परिवहन हो रहा हो तो उसमें कार्रवाई। 16 मार्च से इनका लीज खत्म हो चुका है, जिसमें नगर पंचायत उपाध्यक्ष राहुल थवैत की गाड़ी मशीन रेत घाट पुत्री है, उसी के द्वारा लोड किया जा रहा है और बालू बेचा जा रहा है। नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। रायगढ़ जिले के सारंगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार वैन अनियंत्रित होकर सीधे नहर में जा गिरी। दुर्घटनाग्रस्त वैन में 10 बच्चे सवार थे, सभी घायल बच्चों को आसपास के लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। इस भीषण हादसे में एक बार फिर से निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। पूरा मामला सारंगढ़ के बरदुला स्थित ज्ञान गंगा नाम के निजी स्कूल का है। जब वैन बच्चों को उनके घर छोड़ने लौट रहा था तभी अचानक चालक का नियंत्रण वाहन से हट गया और तेजी से दौड़ रही वैन लगभग 20 फीट गहरे सूखे नहर में जा गिरी। हादसे में सभी बच्चों को चोट पहुंची है, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सारंगढ़ के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। लोगों के मुताबिक हादसे के बाद फुर्ती दिखाने के बजाय स्कूल प्रबंधन मीडिया को इस मामले से दूर रखने की कोशिश करता नजर आया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए i9 24 के साथ। i9 24 YouTube, Facebook और Twitter पर भी देख सकते हैं। वेब चैनल के लिए लॉगिन करें www.i924news.in। नमस्कार। मैं फाल्गुनी राजानी, आप सबकी चहेती गुलफाम कली भाभी जी घर पर है से। आप तो हमें टीवी पर देखते रहते हैं, लेकिन आज आप हमें इस न्यूज चैनल के जरिए देखने वाले हैं। सो INN24 न्यूज चैनल हमेशा देखते रहिए। नमस्ते, मैं हूँ रघुराम, आप देख रहे हैं INN24।